तो गाइस, आपको ऐसी वीडियो बनाने के लिए काइन मास्टर ओपन कर लेना है, क्रिएट न्यू पर जाकर 16:9 पर क्रिएट दबा देना है और आपको ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपका एक्शन सेम होना चाहिए। अब देख सकते हैं, हमने एक्शन थोड़ा इसी उल्टा कर लिया था, इसीलिए हमने रोटेट कर लिया है। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपको ऐसे पो मारने का एक्शन करना है। आपको थोड़ा देर ऐसा खड़ना है, फिर ऐसा पो मारने का एक्शन करना है। अब देख सकते हैं, इसके बाद आपको लेयर मीडिया पर जाना है और ग्रीन स्क्रीन वाले इस का ये ले लेना है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है और क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाकर इससे इसका पूरा ग्रीन पार्ट रिमूव कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमने इसे पूरा सही से ये कर लिया है। इसके बाद हम इसे मिरर में जाएंगे, क्योंकि हमने एक्शन थोड़ा उल्टा कर दिया था, हमें इधर से करना चाहिए था मगर हमने इधर से कर लिया, इसीलिए रोटेट एंड मिरर में जाकर हम इसे रोटेट कर लेंगे और थोड़ा बड़ा कर देंगे। या ऐसा देखने में दिखेगा। एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है, जितना ग्रीन स्क्रीन है उतना ही आपका वीडियो भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने करेक्ट उतना ही रखना है जितना वो ग्रीन स्क्रीन वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो कैसी दिखने वाली है। हम उसे टाइमलाइन में सेट कर रहे हैं, हम देख सकते हैं ये दिखने पर कैसे दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम ऐसी वीडियो शूट कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसे भी रोटेट कर लेंगे क्योंकि हमने ट्राइपॉड पर उल्टा फिक्स किया था। अब देख सकते हैं आपको ऐसा एक्शन करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट शूट कर लिया था इसीलिए ट्रिम कर दिया है। आपको अब देख सकते हैं, इसके बाद लेयर मीडिया पर जगना है और फिर से ग्रीन व दूसरे पार्ट को पकड़ लेना है और इसे वीडियो के टाइमलाइन के हिसाब से सेट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, अब देख सकते हैं, फिर इसकी क्रोमा की को रिमूव कर देना है। देखने पर ऐसे पार्ट दिखेगा। हमारी एक्टिंग इस वीडियो के साथ मैच नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसे थोड़ा स्पीड में जाकर टाइम को ये कर लेंगे। अब क्रोमा की में जाएंगे और स्क्रीन वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, जैसे हम कर रहे हैं। हम देख सकते हैं हम इसे रिमूव कर रहे हैं, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यह हमारे हाथों के हिसाब से छोटा दिख रहा है इसलिए बड़ा कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आपको ऐसा करना है। इसके बाद आपको इसे मैच करना है, देख सकते हैं ये मैच हो रहा है, थोड़ा मैच नहीं हो रहा था इसीलिए हमने और भी बड़ा कर दिया इसे, जिससे हमारे हाथों का एक्शन ना दिखे। आप देख सकते हैं आपको ऐसे पो मारते ऐसा खुलेगा, इसके बाद ऐसा एक्शन कर देना है। इसके बाद मीडिया पर जाना है और हर एक ऐसा वाला वीडियो शूट कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो सॉरी गाइस, फिर से हम इसे फिर से रोटेट कर लेंगे। आपको एक्शन दिखाता हूँ, हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे और जब हम ऑफ करना आएंगे वो भी रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं आपको ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है। अब देखिए ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है। इसके बाद आपको लेयर मीडिया पर जाना है, फिर से उस ग्रीन वाले पार्ट को ये डाल लेना है। आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको क्रोमा की में जाना है और इस ग्रीन वाले पार्ट को रिमूव कर देना है। इस ग्रीन वाले इसको मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा।
क्रोमा की को आपको बराबर सेट कर लेना है, और यह ऐसा होगा तो आपकी बॉडी के हिसाब से इसे सेट कर लेना है। और ड्यूरेशन भी यह वीडियो की कितनी है उतनी ही रख देनी है। हम इसे स्पीड में जाकर यह कर लेंगे, क्योंकि उस ग्रीन वाले पार्ट का और हमारे हाथों का एक्शन मैच नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं अब परफेक्ट मैच हो रहा है। इसके बाद हम इसको बराबर अपने बॉडी के हिसाब से सेट कर लेंगे। अब देख सकते हैं हम सेट कर ले रहे हैं। आपको ऐसे ही बराबर अपने बॉडी के हिसाब से सेट कर लेना है। अब देख सकते हैं हमने बराबर सेट कर लिया है। हम इसे थोड़ा और भी सेट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए ना, इसीलिए हम और भी सेट कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो आपको देखने पर ऐसी लगेगी। तो हम हमारी वीडियो में जाएंगे, जो हमने एक्शन किया था उसे हम पैन जूमिंग कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बराबर उस इसके हिसाब से ही सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं हम सेट कर रहे हैं। क्रोमा की में जाकर ग्रीन वाले पार्ट को रिमूव कर ले हैं, क्योंकि वो क्लियर दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके बाद ये ऐसी दिखेगी वीडियो। तो हम अपने वीडियो के पैन एंड जूम पर जाएंगे और ऐसे जूम कर लेंगे। हमने एंड वाला पोजीशन कर लिया था, हमें फर्स्ट वाला पोजीशन करना चाहिए था। हम देख सकते हैं हम फर्स्ट वाला पोजीशन कर ले रहे हैं। एंड वाले पोजीशन को हम नॉर्मल कर लेंगे। हम देख सकते हैं इसके बाद वीडियो दिखने में ऐसे ही लगेगी। तो इसके बाद आपको की एनिमेशन में जाना है और इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। की एनिमेशन में जाना है और ये जब उठ रहा होगा, आप देख सकते हैं हमारे हाथों से मैच नहीं हो रहा था, तो हमने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया है। आप देख सकते हैं बड़ा कर रहे हैं। देखिए आपको ऐसे एनिमेशन में सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं वो मैच होना चाहिए परफेक्ट। तो हम इसे परफेक्ट से मैच कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए हम इसे छोटा करें और परफेक्ट से मैच कर रहे हैं, और देखने में ये ऐसा लगेंगे। हम देख सकते हैं देखने में ऐसा लग रहा है। हम फिर से अपनी हर एक वीडियो को ये कर लेंगे, मीडिया लेयर में, मीडिया में जाकर हम इसे ये कर लेंगे। आपको ऐसा शूट करना है, आप जहाँ खड़े थे उसका खाली बैकग्राउंड में जाकर आपको फ्रंट से लेफ्ट की तरफ जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी ग्रीन पार्ट वाली वीडियो कुछ ऐसी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हम इसे बराबर अपनी स्क्रीन के हिसाब से फुल कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने फुल कर लिया है। अब हम देख सकते हैं ये ऐसा होने के बाद हमारा पार्ट फ्रंट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमने भी वैसी वीडियो शूट कर लिया। इसके बाद क्रोमा की में जाना है और इस ग्रीन वाले पार्ट को बराबर से रिमूव कर देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए आपको दिखने में वीडियो, आपको ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है। मैं फर्स्ट में दिखाना भूल गया था, इसीलिए आप दिखा रहा हूँ। इसके बाद क्रोमा की में बराबर सेट कर लेना है, जिससे वो हाथ में का पूरा ग्रीन पार्ट रिमूव हो जाना चाहिए। हम देख सकते हैं ये वीडियो दिखने में ऐसी लगेगी। इसके बाद आपको टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं टाइमलाइन
एडजस्ट हो गई है। इसके बाद आपको मीडिया में जाना है और हर एक ऐसा वाला सीन शूट कर लेना है। खाली बैकग्राउंड में हम इसे रोटेट कर लेंगे। खाली बैकग्राउंड में आपको राइट साइड से ग्राउंड की तरफ जाना है स्लो से। हम लेयर मीडिया पर जाएंगे और इस वाले पार्ट को शूट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है राइट साइड से ग्राउंड की तरफ जाना है और हम इस वीडियो को फुल कर लेंगे, ग्रीन वाले वीडियो को। अब देख सकते हैं हम बराबर अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। उसके बाद क्रोमा की में जाकर इसका भी ग्रीन वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। हम बराबर सेट कर देंगे, रियलिस्टिक दिखना चाहिए, इसीलिए आप देख सकते हैं वो दिखने में ऐसा दिखेगा। तो हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने ट्रिम कर दिया है। आपको बराबर सेट कर लेना है। इसके बाद आपको मीडिया में जाना है और हर एक ऐसी वाली वीडियो शूट कर लेनी है। ये इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसीलिए आपको इसे ध्यान से शूट करना है। अब देख सकते हैं हमने उस वीडियो को ट्रिम कर लिया था क्योंकि हमारी वो चेयर दिख रही थी। हम इसे रोटेट कर लेंगे। आपको ऐसी वाली वीडियो शूट कर लेनी है, वैसी वाली नहीं। इसके बाद आपको ऐसा एक्शन करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लेफ्ट साइड की तरफ से अपना सिर फ्रंट की तरफ स्लो से लेकर आना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको ऐसा लेफ्ट साइड से फ्रंट की तरफ स्लो से लेकर आना है। आप देख सकते हैं आपको ऐसे एक्शन करना चाहिए। इसके बाद ये वीडियो ऐसी दिखेगी। अब हम लेयर मीडिया में जाएंगे। लेयर मीडिया में जाना है और हर एक ग्रीन वाले पार्ट को डाल लेना है। वो देखने में ऐसी है वीडियो, तो हम इसे मिरर कर लेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से फ्रंट की तरफ आया था, हमें राइट साइड से फ्रंट की तरफ आना चाहिए था, इसीलिए हम इसे ये कर लेंगे। तो हम इसे भी ग्रीन वाला पार्ट रिमूव करने के लिए क्रोमा की में ये कर लेंगे, एनिमेशन कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे सिर के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम की एनिमेशन का यूज़ करेंगे। हम इस ग्रीन वाली वीडियो को ट्रिम कर देंगे थोड़ा। इसके बाद ये वीडियो ऐसी दिखेगी कि एनिमेशन में जाना है। आपको बराबर सेट कर लेना है। आपका फेस और वो हेलमेट मैच होना चाहिए। अब देख सकते हैं हम मैच कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी आपको मैच करते ही रहना है। आप देख सकते हैं हम परफेक्टली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये परफेक्ट मैच कर रहे हैं कि एनिमेशन में बहुत टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को थोड़ी अच्छी से देखकर शूट कर लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही आपको ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा और ये वीडियो देखने में ऐसी लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वीडियो हमारे सिर पर हेलमेट आकर क्लोज होने की टाइप दिखेगी। आप देख सकते हैं तो हमारी वीडियो ऐसी आ रही थी, तो हमने इसे बराबर कर लिया है। वीडियो देखने में ऐसी लगेगी। इसके बाद हम फिर से आपको ऐसा वीडियो शूट कर लेना है। मीडिया में जाना है और ऐसा वीडियो शूट कर लेना है, खाली बैकग्राउंड वाला वीडियो शूट कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ आप खड़े होंगे वही खाली बैकग्राउंड होना चाहिए और वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब रोटेट में जाकर इसे ये कर लें क्योंकि हमने थोड़ा उल्टा कर दिया था, तो हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं
ये वीडियो। इसके बाद आपको लास्ट ग्रीन वाला पार्ट ये कर लेना है और हम इस बैकग्राउंड को ग्रीन वाले पार्ट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो ग्रीन वाले पार्ट को आपको फुल स्क्रीन कर देना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही कर देना है। इसके बाद हम ग्रीन वाले पार्ट की क्रोमा की को एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारा ग्रीन वाला पार्ट रिमूव कर दिया है और ये देखने को ऐसी लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वीडियो देखने पर ऐसी लगेगी। तो फर्स्ट से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो दिखने में ऐसी लग रही है। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो देखने में ऐसी लगेगी। तो हम इसे सॉन्ग डालेंगे। मैं सॉन्ग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आयरन मैन वाले सॉन्ग का। तो हमने इसे नाम दिया था आयरन मैन, हम ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा। उस सॉन्ग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक। इसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और सेव एज वीडियो दबा देना है। और जब तक ये सेव हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल के वीडियो आपको लाते रहूँगा और VFX के भी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आप वीडियो देखें तो यह ऐसा लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ।